अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूँ करीम फरहाद। बीबीएन चैनल के तमाम व्यूवर्स को यौम जमहूरिया की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं हमारा वतन हिंदुस्तान खूब तरक्की करे, मुल्क में अमन व सुकून वापस आ जाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा फिर से वापस आ जाए, नफ़रत का बाजार ख़त्म हो और नफ़रत के सौदागरों को मुँह की खानी पड़े। इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। गजा में इमदादी सामान हासिल करने के लिए जमा हुए फलस्तीनियों पर इसराइल ने गिराए बम, दर्जनों फलस्तीनियों की मौत, 150 से ज्यादा जख्मी। अल-क़सम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा ने ताज़ा वीडियो में किया बड़ा दावा, कहा गुज़िश्ता एक हफ्ते में 53 इसराइली फौजियों को मौत के घाट उतारा, 68 इसराइली गाड़ियों को किया तबाह। हमास हिजबुल्ला के बाद अब यमन के हौसी बागी बने इसराइल और अमेरिका के लिए बड़ा सरदर्द, कलीजा दन और आबनाए बाबुल मंदब में अमेरिका के जंगी जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। हिंदुस्तान भर में यौम जमहूरिया की धूम, जोश व खरोश से मनाया जा रहा है 75वां रिपब्लिक डे, अलग अलग झांकियों ने खींची दुनिया भर की तवज्जो। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज और साबिक तमिलनाडु गवर्नर मरहूम फातिमा बीवी को पद्म भूषण अवार्ड, तमिलनाडु हुकूमत ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को भी कम्युनल हारमनी अवार्ड से नवाजा। और बिहार में फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं नीतीश कुमार, बढ़ गई सियासी हलचल, बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ तेवर किए नर्म, तेजस्वी यादव के अपने लीडरों के साथ हंगामे मिटे।